बिजली विभाग के नाक के नीचे से चोर लाखों की तांबे पर हाथ साफ करके। हैरानी वाली बात यह है कि चोर करीबन 1900 किलो तांबा चोरी कर 9-2-11 होने में कामयाब हो गए और इस घटना की विभाग के कर्मचारियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये घटना एक ओर जहां विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं पर तैनात कर्मचारियों को भी शक के घेरे में खड़ा करती है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी विभाग के कर्मचारियों की मिलीभक्ति के बिना संभव नहीं हो सकती है। 1900 किलो तांबा चोरी करना एक चोर का काम नहीं हो सकता और न ही चोर इसे उठा कर ले जा सकते हैं। इसीलिए चोर अपना वाहन लेकर आए होंगे और ये वाहन काफी समय तक विभाग के स्टोर के पास खड़ा होगा, तो ऐसे में वहां तैनात चौकीदार या किसी अन्य कर्मचारी की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी। इन्हीं सभी सवालों का जवाब भी अब पुलिस तलाश में लगी है और इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए जांच में जुटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें बिजली विभाग द्वारा तांबे की चोरी होने की सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। उन्हें बताया कि मौके से तांबे का काफी सामान चोरी हुआ है, ये किसने किया कैसे किया इस बारे में आवश्यक पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बिजली विभाग मिनी सचिवालय के समीप है, जहां पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, साथ ही बस स्टैंड के लोगों की आवाजाही हमेशा यहां बनी रहती है। ऐसे में चोरी जैसी घटना को अंजाम देना कई तरह के सवाल खड़े करती है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आने वाले समय में क्या खुलासा करती है। पिछली रात को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे जो यहां पे बिजली विभाग का स्टोर है, डीसी ऑफिस के नजदीक है ये स्टोर, पीडब्ल्यूडी की जो बिल्डिंग है उसके पास ही, इसमें से जो है कुछ कॉपर जो है वो चोरी हुआ है, तो इस पे हमने केस दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है हर एंगल पे हमारी जारी है। और एग्जैक्टली कितना अमाउंट कॉपर का चोरी हुआ है ये तो अभी नहीं बता पा रहे हैं, ये इसका एनालिसिस अपना एक ऑडिट कर रहे हैं इंटरनल, उसके बाद दे विल टेल अस कि कितना एक्चुअल में कॉपर चोरी हुआ है।